हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लहसुनी भिंडी बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो लहसुनी भिंडी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम भिंडी लिए हैं, जिसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और सूती कपड़े से हमने पोंछ लिया है। अब हम इसे काटेंगे, तो इसका हम हेड और टेल पहले अलग कर लेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे आकार में इसे हम काट लेते हैं। सारे भिंडी को हम इसी तरह से काट लेंगे। अब हम भिंडी को फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। और अब हम यहाँ पर एक चम्मच तेल डाल देंगे और अब हम तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो भिंडी काट के रखे हुए थे इसमें मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। हमने भिंडी को ढक कर 3 मिनट तक फ्राई किए हैं और भिंडी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सेम पैन में फिर से एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ही सौंफ डाल देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे हींग पाउडर डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे हम फ्राई होने देते हैं। मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे ये कुटा हुआ हम लहसुन लिए हैं, छील कर इसे हम कूट लिए हैं। इसे हम पहले मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने लहसुनी भिंडी बना रहे हैं। और यहाँ पे हम 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं। कुछ सेकंड के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चॉप किया हुआ 1 टमाटर डाल देंगे और इन सारों को हम कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को कुछ समय के लिए फ्राई किया। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देंगे। और अब हम इन सारों को अच्छी तरह से इसे हम टमाटर के पक जाने तक इसे हम कुछ सेकंड के लिए इसे हम ढक कर पका लेंगे। हमने ढक कर टमाटर लहसुन मिर्ची को पकाया है 1 मिनट तक और इसे अब हम अच्छी तरह से चम्मच से मैश करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही कम मसालों का सब्ज़ी है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, इस तरह से आप मैश करते हुए सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने भिंडी फ्राई करके रखे हुए थे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और कुछ समय के लिए हम मसालों के साथ भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। हमने भिंडी को 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मसाला डालने के बाद। और ये देखिए, भिंडी फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक कर 1 मिनट तक पका लेते हैं। हमने सब्जी को ढक कर 1 मिनट तक पकाया है और फ्लेम को हम मीडियम कर रखे हुए थे। और ये देखिए, सब्जी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे, इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। और एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म लहसुनी भिंडी बनके तैयार हो गई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। धन्यवाद।